जैसे आपको पता होगा कि आज के जमाने में अमेजोन गिफ्ट कार्ड का कितना यूज है, और आपको तो एक बात और भी पता होगा भाई, अमेजोन गिफ्ट कार्ड का यूज करके हम लोग बहुत सारे कुछ यहाँ पर से विन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे कुछ हम लोग फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस में बिजली का बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, गैस का भी बिल पेमेंट कर सकते हैं अगर आप लोग अमेजोन गिफ्ट कार्ड का यूज करते हो। और आप लोग भी चाहते हो इस तरह से करके फ्री में अगर आप लोग भी बिजली बिल पेमेंट कर सको, मोबाइल रिचार्ज कर सको, या फिर गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड बाय कर सको, या फिर फास्टैग ऐसे बहुत सारे कुछ रिचार्ज जो आप लोग करते हो वो सब जस्ट सेकंड आप लोग अमेजोन पे का गिफ्ट कार्ड जो होता है उसका यूज करके कर सकते हो। और मैं आज आप लोगों को अमेजोन गिफ्ट कार्ड अर्निंग करने के लिए ऐसा एप्लीकेशन बताऊंगा, उसमें अमेजोन गिफ्ट कार्ड ही नहीं, आपको फ्लिपकार्ड के भी गिफ्ट वाउचर मिलेंगे, गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड के भी वाउचर मिलेंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे मान के चलो यहाँ पर से 50 रुपए का अमेजोन गिफ्ट कार्ड मुझे रिसीव हुआ, जस्ट मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते के साथ में आप लोग गौर से देखना, जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक किया और क्लिक करते साथ में 50 रुपए का गूगल प्ले का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मुझे यहाँ पर से रिसीव हो चुका है, और मेरा बैलेंस भी देख सकते होंगे 1465 रुपये यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर दिखाऊंगा, तो आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो यहाँ पर मुझे 10-10 रुपये का कितना बार यहाँ पर 10-10 रुपये 25-25 रुपये करके 120 रुपये वाला भी रिसीव हुआ था, और वो 120 रुपये इसका जो जस्ट इसका ऊपर वाला है ना, यही वाला मैं यहाँ पर से रिडीम किया था। वन क्लिक के अंदर यहाँ पर मैं रिडीम किया था, ये रिडीम मेरा पहले से हो गया था, इसलिए यहाँ पर ये नहीं दिखा रहा, बट आपको यहाँ पर देखने को मिल गया होगा। और एक यही नहीं, मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको फ्री में अमेजोन का गिफ्ट कार्ड देते हैं। आप लोग यहाँ पर गौर से देखोगे तो मुझे कितने सारे अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मुझे रिसीव हुए हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे ऐसे भी हैं जिसके अंदर मैं डेली का डेली अमेजोन का गिफ्ट कार्ड यहाँ पर से लेता रहता हूँ। प्लस में अमेजोन गिफ्ट कार्ड तो यहाँ भी हो गया, प्लस में अगर आप बड़ा बड़ा अमाउंट का लेना चाहते हो, जैसे कि 250 रुपये का लेना चाहते हो, 250 रुपये यहाँ पर से अमेजोन गिफ्ट कार्ड मुझे यहाँ पर मेरे रिसीव हुए हैं। इसी तरह से कर करके भाई बहुत सारे 500-500 रुपये तक यहाँ पर से अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मुझे रिसीव होता है। बस आप लोगों को जानना है कितना सारा मुझे अमेजोन गिफ्ट कार्ड रिसीव कहा। देखो 550 रुपये का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड मुझे रिसीव हुआ, और ये सब जस्ट सेकंड एक एप्लीकेशन का यूज करके हम लोग यहाँ पर से अर्निंग करते हैं। तो आप लोगों को भी आज मैं वैसे ही एक एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग बिल्कुल ही फ्री में अमेजोन गिफ्ट कार्ड अर्निंग करने वाले। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को अमेजोन गिफ्ट कार्ड अर्न कैसे करना है। तो जिस एप्लीकेशन का मैं बात कर रहा था, जिस एप्लीकेशन का यूज करके आप लोग फ्री में अमेजोन गिफ्ट कार्ड, फ्लिपकार्ड का गिफ्ट कार्ड और फिर गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, वो एप्लीकेशन आज मैं आप लोग देने वाला हूँ। जो एप्लीकेशन का लोगो है इस प्रकार से, एप्लीकेशन को जस्ट आप ओपन कीजिएगा, तो ओपन करते के साथ में आपका सामने कुछ इस प्रकार से करके इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, जस्ट गूगल अकाउंट का मतलब साइनअप करने के लिए बोलेगा, या फिर मोबाइल नंबर का यूज करके, मैं गूगल अकाउंट का यूज करता हूँ, तो आप लोग भी गूगल अकाउंट का यूज करके साइनअप करना, इससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा साइनअप करने में। यहाँ पर जस्ट मैं अपना गूगल अकाउंट पर क्लिक किया, आपको फोन में जो भी जीमेल आईडी रहेगा उस जीमेल आईडी के अंदर में करके डायरेक्टली एप्लीकेशन के अंदर में साइनअप कर सकते हो। जैसे मान के चलो अपना मैं जीमेल आईडी सेलेक्ट करके साइनअप कर लिया, मांगेगा रेफर कोड। रेफर कोड क्या होता है? तो रेफर कोड इस कंपनी का कोड होता है जो कि कंपनी हमें दी है, तो आपको हम देंगे। अगर आप मेरा रेफर कोड यूज कीजिएगा तो आपको उसके बदले में बोनस मिलेगा। तो आप मैं आप लोग अपना रेफर कोड दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वीडियो का जो टाइटल है उस पर क्लिक करना, तो उसका नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन ओपन होगा जिसके अंदर में एप्लीकेशन का लिंक और वीडियो का जो एप्लीकेशन के लिंक के साथ में रेफर कोड मिलेगा। तो रेफर कोड जरूर जरूर यूज कर लेना ताकि आप लोगों को बोनस का पैसा फ्री फ्री में रिसीव हो सके, क्योंकि अगर आप रेफर कोड यूज नहीं करते हो तो आपको बोनस का पैसा नहीं मिलेगा। और जब बोनस का पैसा नहीं मिलेगा भाई, फ्री फ्री में जब चीज नहीं मिलता है ना, तो काफी ज्यादा दुख होता है। तो आप लोगों को जो चीज फ्री में मिल रहा है उसको जरूर जरूर लूटने का कोशिश करना, कमीशन भी मिलता है। अगर आप लोग इसका रेफर का बात करें तो आगे चलकर मैं इसका रेफर का कमीशन के बारे में बताऊंगा कि रेफर में कितना कितना कमीशन मिलता है, और आपको इसमें इतना ज्यादा कमीशन मिलेगा, मतलब 10% भी कमीशन मिलेगा। तो सोच लो, अगर मान के चलो मुझे यहां पर से अर्निंग होता, मतलब 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का अगर अर्निंग हो रहा है, तो आप लोग उसका मान के चलो मुझे यहां पर से 10 लाख रुपए का अर्निंग हो रहा है, इसका मान के चलो अगर आपको 10% भी मिल जाता है ना, तो आपको समझ लो कितना ज्यादा यहां पर से बनता है, मतलब कितना ज्यादा बनेगा, परसेंटेज 3% 4% यहां पर 3 लाख रुपए आपको प्रॉफिट होता है। तो ये होता है कमीशन। अगर आप लोग कमीशन पे इसका अंदर में रेफर कोड इंटर करो तो आपको भी कमीशन मिलेगा, हमें भी कमीशन मिलेगा। 50% कमीशन मिलता है, किसी किसी में 30% मिलता है, किसी किसी में 20% मिलता है, सभी तरह का ऑप्शन मिलता है। तो आप लोग रेफर कोड जरूर डालना, फिर आपको परमिशन मांगेगा, तो परमिशन शुरू में ही दे देना, नहीं तो जब भी आप टास्क को कंप्लीट करोगे तो आपका टास्क को कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, और जब कैलकुलेट नहीं कर पाएगा तो आपको टास्क का पैसा नहीं मिलेगा, आपको यानी कि आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। सिंपल सा कहानी है, अगर आप टास्क कंप्लीट करते हो तो आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो ट्यूटोरियल भी दे देगा ये, जिसके अंदर मैं आप लोग सीख लेना कि एप्लीकेशन को यूज कैसे कैसे करना है। फिलहाल हम बात करते हैं एप्लीकेशन में अर्निंग करने का। तो एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे टास्क ऑफर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जाकर आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हो और उसको ओपन करके उसके अंदर साइन अप कंप्लीट करते हो, तो उसके बदले में आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, मतलब समझ रहे हो, उसके बदले आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, कॉइन दिए जाएंगे, जिस कॉइन का यूज करके आपको फ्री में पैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा बोले तो गिफ्ट कार्ड मिलेगा, वाउचर मिलेगा, और फिर यहाँ पर यूपीआई कैश, क्रिप्टो करेंसी जहां पर लेना है वहां पर आप ले सकते हो, जो कि आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता चुका था। अब यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन के अंदर में जाने का और क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले गौर से देखो, यहाँ पर ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर डेली चेक इन का,
करना कुछ भी नहीं, जस्ट कलाइम योर रिवार्ड का ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका डेली चेक इन का जो भी पॉइंट रहेगा वो पॉइंट आपको रिसीव हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर अगला बार यहाँ पर आइएगा नेक्स्ट वाले से कट करके तो आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट में देखो यहाँ पर से एक ऑप्शन मिलता है सर्वे का, फिर स्पिन एंड व्हील का, फिर गेम का। तो सर्वे का ऑप्शन पर क्लिक किया तो जैसे सर्वे का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने कुछ इस प्रकार से करके इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इसके अंदर में साफ साफ मेंशन किया हुआ है अगर आप सर्वे को कंप्लीट करते हो, आप 15 मिनट तक का सर्वे रहता है, 20 मिनट का सर्वे रहेगा, 13 मिनट का सर्वे रहेगा, तो आप लोग सर्वे को कंप्लीट करोगे तो उसके बदले में जितना भी पॉइंट है ना वो पॉइंट आपको दिया जाएगा। जैसे 152 पॉइंट, 142 पॉइंट, 203 पॉइंट, 273 पॉइंट, इस तरह करके आपको पॉइंट यहाँ पर दिया जाएगा, समझे। तो आप लोगों को आकर के सर्वे को कंप्लीट करना है, सर्वे कंप्लीट कर करके ढेर सारा पॉइंट्स की अर्निंग करना है। जैसे मान के चलो 273 पॉइंट वाला है तो उसको स्टार्ट करना है, जस्ट इसमें के अंदर में आपको क्वेश्चन पूछता रहेगा, लगातार क्वेश्चन पूछेगा तो आपको लगातार क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा, देन जाकर आप लोग यहाँ पर सर्वे कंप्लीट होगा। और सर्वे जब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा का पूरा सर्वे कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आपको इसके बदले में जो भी पॉइंट रहेगा वो पॉइंट आपको रिसीव हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर गलत गलत आंसर दोगे, जैसे ये ट्रैक कर लेगा कि आप आंसर अंदाजी दे रहे हो या फिर पढ़ पढ़ करके इसका सर्वे का आंसर दे रहे हो, ठीक है, अगर अंदाजी आंसर दोगे ना तो ये ट्रैकिंग रखता है इसका, तो उसका ट्रैकिंग होते के साथ में आपको बोल देगा साफ साफ कि आपका जो सर्वे है वो सर्वे गलत आप फिल किए हो, इसी के लिए आपको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, सिंपल सा कहानी, साफ साफ मना कर देगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सर्वे को फिल करना, सर्वे फिल करके आप लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़े थे, यहाँ पर देखो सर्वे का आगे जो भी स्टेप है उस स्टेप को फॉलो करते हुए आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन के अंदर में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जो भी मतलब आपको देखो सर्वे कंप्लीट करने का मतलब वही होता है कि आपको जो जो पूछ रहे, जैसे मान के चलो आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कैपिटल, ये सब सब पूछेगा, आपको पता तो जाना, पिन कोड से पता है कि ट्राई अनदर सर्वे, आपको ये सर्वे पे पैसा नहीं दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से करके बोल देगा अगर आप सर्वे गलत फिल करोगे तो, अगर आप लोग सही से सर्वे फिल करते हो तो आपको डेफिनेटली पैसा मिलेगा ही मिलेगा, मतलब डेफिनेटली कोइन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है स्पिन का, स्पिन का सेक्शन पर क्लिक करोगे तो बोर्ड आपको स्पिन अनलॉक नहीं हुआ जब तक आप एक टास्क ऊपर कंप्लीट नहीं करते तो आपको स्पिन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आपको स्पिन करने के लिए आपको टास्क ऊपर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आकर देखने मिलेगा गेम का सेक्शन, जिसके अंदर अगर आप लोग आकर के गेम को प्ले करते हो तो गेम प्ले करके भी यहाँ पर पॉइंट्स की अर्निंग कर सकते हो। देता नहीं कभी कभी, लेकिन कभी कभी होता है कि 4-5 मिनट तक लगातार प्ले कीजिएगा ना तो 15-20 पॉइंट आपको इस तरह से करके दिया जाता है इसके अंदर में। तो आप लोग आओ और इसके अंदर में गेम को प्ले करो, गेम भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो अब यहाँ पर जो मेन अर्निंग का मेथड है इस एप्लीकेशन के अंदर में, वो अर्निंग का मेथड है इसके अंदर में टास्क ऑफर। तो टास्क ऑफर का बात करें तो आपको देखो सबसे बढ़िया टास्क ऑफर इसमें मिलता है आपको, इंस्टॉल एंड ओपन वाला टास्क, जो भी इंस्टॉल एंड ओपन वाला टास्क रहेगा उसी टास्क ऑफर को आप लोग कंप्लीट करने की कोशिश करना। जस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होता है, इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कीजिएगा तो आपको उसके बदले में पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, आपको कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल एंड ओपन वाला टास्क जब भी आपको मिलेगा तो उसको जरूर जरूर कंप्लीट करना। ऐसे तो इसके अंदर में टास्क फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसके अंदर से बदलते रहता है टास्क, जो है वो बदलते रहेगा, एनी टाइम आपको हर अलग अलग टास्क देखने को मिलेगा। आज ये वाला टास्क है तो कल इसमें नया टास्क और ऐड हो जाएगा, परसों तक में इसमें और भी नया टास्क ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से करके टास्क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब तरह तरह के टास्क इसके अंदर में बदलते रहेंगे। तो आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, जस्ट अ सेकंड आपको वेट करना होता है, जो भी टास्क दिया जाएगा उसको आपको कंप्लीट करते जाना। मान के चलो इसे इंस्टॉल करने के लिए ओपन करने के लिए बोला था तो जस्ट मैं इसे इंस्टॉल करके ओपन करूंगा, और इसमें हाँ रजिस्टर भी करने के लिए बोलेगा तो आप रजिस्टर भी जरूर कर लेना। रजिस्टर कर लोगे दिन जाकर आप लोगों को पॉइंट रिसीव होगा, नहीं करोगे आपको पॉइंट रिसीव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर इस तरह से करना, फिर आपको 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, जितने भी पॉइंट रहेगा उतना पॉइंट आपको फ्री फ्री में रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखो इस एप्लीकेशन के अंदर में और बहुत सारे मतलब फीचर्स हैं, मान के चलो एक ही फीचर थोड़ी ना है, इसके अंदर में और बहुत सारे टास्क ऑफर मिलेंगे तो आपको इन सभी टास्क ऑफर को कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी टास्क रहेगा उसको आपको पढ़ना है, समझना है कि कैसे कैसे कंप्लीट करना है, देन जाकर के उस टास्क ऑफर के ऊपर में हाथ लगाना, हाथ लगा लोगे उसके बाद फिर आपको उसके अंदर में जाकर टास्क को कंप्लीट करना शुरू करना है, तो उसको बीच में नहीं छोड़ना, ठीक है। जब भी आप किसी भी टास्क को इंस्टॉल करते हो, प्ले स्टोर पर जाते हो, प्ले स्टोर पर जाने के बाद उसे इंस्टॉल करते हो, तो इसे इंस्टॉल करने के बाद तब तक उसमें से बैक नहीं निकलना जब तक उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए आपको 30 सेकंड से 40 सेकंड ना हो जाए। एप्लीकेशन को ओपन भी करना पड़ता है तो ओपन करने के बाद आपको 30 सेकंड तक आपको वेट करना होता है एप्लीकेशन के अंदर में ही, ओपन करने के बाद में ही। तो 30 सेकंड तक जरूर जरूर ओपन करके मतलब उसको रखना, और 30 सेकंड तक ओपन करके रखोगे ना तब जाकर आप लोगों को पॉइंट रिसीव होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद करते आगे बढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर, जैसे मान के चलो कंप्लीट से कंपनी का सर्वे जो भी आपको मतलब ये वाला टास्क ऑफर मिलता है उसको इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो आपको जस्ट इंस्टॉल करना होता है और इंस्टॉल करके इस एप्लीकेशन के अंदर को यूज करना पड़ता है, मतलब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसको ओपन करना है, फिर उसको थोड़ा सा यूज भी करना है। यूज करना मतलब आपको उसको अंदर में खेलना वेलना, गेम वेम खेल करके अगर देखोगे ना आपको टास्क कंप्लीट होता है उसमें से, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो मैं इस एप्लीकेशन को जिसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया और ओपन करके जस्ट सेकंड में वेट करूंगा। इसके अंदर मैं ऐड उड प्ले होगा थोड़ा सा, तो हमारे देखो ऐड उड प्ले करके इसके बाद फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसका से बाहर निकलेंगे तो आप देखो इसका भी पॉइंट जो रहेगा वो भी पॉइंट आपको क्रेडिट कर दीजिएगा आपको वॉलेट के अंदर में। तो आगे चल करके आपको जो इसका स्टार्टिंग में तो आपको पेमेंट प्रूफ से दिखाई दिए थे और एंडिंग में भी आपको इसका पेमेंट प्रूफ से देखना को मिलेगा, ठीक है। फिर आप लोगों को मैं जीता बता रहा हूँ, आप लोग अगर मान के चलो इस एप्लीकेशन को यूज करते हो और आप लोग लगता है कि नहीं हमें अर्निंग नहीं कर पा रहे तो भाई छोड़ देना इसको, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग अर्निंग नहीं कर पाओगे तो इससे को यूज करने से कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अगर आप इसको यूज करते हो और आपको अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा तो आप इसको रेगुलर यूज करो, अगर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं। इसके जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि आपको फ्री में अमेजोन गिफ्ट कार्ड और फ्लिपकार्ट के गिफ्ट वाउचर देते हैं, तो आप लोग इसके लिए करो कुछ भी नहीं, हमारे एंड्रॉइड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग नया एप्लीकेशन मिल सके। रेफर अर्निंग की बात करें जिसके अंदर आपको रेफर का अर्निंग दिया जाता है, जिसके अंदर आप लोग एक रेफर पे 50% मिलता है, मतलब अगर हम आपको रेफर किए तो आपका जितना भी अर्निंग रहेगा वो अर्निंग का मुझे 50% कमीशन दिया जाएगा। अगर आप मान के चलो 100 रुपये कमाते हो तो आपका 100 रुपये में से मुझे मिलेगा 50 रुपये, समझे। अगर आप 200 कॉइन कमाते हो तो मुझे 100 कॉइन मिलेगा, 50% का कमीशन दिया जाता है एप्लीकेशन की तरफ से। तो आप लोग सोच लो कितना ज़्यादा आपको कमीशन मिल रहा है एप्लीकेशन के अंदर में। तो इसके अंदर में आप लोग रेफर करके ढेर सारा पैसे कमा सकते हो, आप लोग ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो ज़्यादा से करके रेफर करना। लेकिन हाँ, रेफर काउंट तभी होगा जब आपका दोस्त 3 गो टास्क फिर कंप्लीट करेगा, तभी जाकर आपका रेफर काउंट होगा, अदरवाइज आपका रेफर काउंट नहीं होगा। यहाँ तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब इसका लास्ट ऑप्शन है जो कि विड्रॉल का ऑप्शन है, मैं आपको विड्रॉल का ऑप्शन कभी तरफ लेकर चला जाता हूँ डायरेक्टली विड्रॉल का। तो विड्रॉ करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने बाद आप लोग गौर से देखोगे तो यहाँ पर 1000 पॉइंट का मैं विड्रॉ लगाया था और ये विड्रॉ लगाया था, ये मेरा विड्रॉल अभी मेरा प्रोसेसिंग में है। एक यहाँ पर विड्रॉल जो था ये प्रोसेस्ड हो चुका है, 10 रुपये का जो लगाया था ये प्रोसेस्ड हो चुका है, और यहाँ पर एक जो 100 रुपये वाला भी लगाए हुए पेमेंट ये प्रोसेसिंग में है। बिकॉज ये प्रोसेसिंग में इसीलिए है क्योंकि भाई मैं इसमें फ्लिपकार्ट का वाउचर रिडीम किया था, ठीक है। जो कि आप लोग यहाँ पर गौर देखोगे तो मेरे पास इतना पॉइंट दिख रहा है ना, आप लोग यहाँ पर गौर देखोगे तो इस जगह पर आप लोग गौर देखो यहाँ पर 30 रुपये का आप UPI कैश ले सकते हो, 30 रुपये की जगह पर आप 250, 100 रुपये जितना का भी लेना चाहते हो यहाँ पर से UPI कैश इसमें से ले सकते हो। प्लस में क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो आप क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पर से ले सकते हो। लेकिन हमारे प्यारे जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों को चाहिए अमेजोन गिफ्ट कार्ड, तब अमेजोन का गिफ्ट कार्ड यहाँ पर 25 रुपये वाले ले सकते हो, वी मार्ट का वाउचर ले सकते हो, यहाँ पर देखो स्विगी का वाउचर ले सकते हो, फिर यहाँ पर देखो जोमेटो का वाउचर, यहाँ पर देखो इस तरह से करके यहाँ पर इस तरह से गूगल पे का वाउचर ले सकते हो। प्लस में अगर आप यहाँ पर से फ्लिपकार्ट का वाउचर लेना चाहते हो फ्लिपकार्ट का भी वाउचर इसे मिलता है, जो कि आगे आपको यहाँ पर देखो ये रिडीम लगाया ना, ये फ्लिपकार्ट का ही रिडीम लगाया मेरा। और यहाँ पर अमेजोन का भी बात करें तो आप अमेजोन का भी गिफ्ट कार्ड यहाँ पर से विन कर सकते हो। सब कुछ यहाँ पर अपडेट होता रहा, डे टू डे यहाँ पर से चेंज होता रहता है, तो आपको जहां मर्जी वहां पर से आप गिफ्ट कार्ड लेना चाहते हो गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, अगर आप UPI में पैसे लेना चाहते हो आप UPI में भी पैसे ले सकते हो। सभी तरह का ऑप्शन से एप्लीकेशन के अंदर मिल सकता है। पेमेंट प्रूफ की बात करें तो आप लोग पेमेंट प्रूफ के लिए देख सकते हो, यहाँ पर मेरा एक पेमेंट 10 रुपये का जो है 10 रुपये का पेमेंट आ चुका है, 100 रुपये वाला पेमेंट जो मैं फ्लिपकार्ट का वाउचर में रिडीम किया हूँ ये मैं भी मेरा प्रोसेसिंग में है, जैसे ही मुझे रिसीव होगा मैं इसका पेमेंट प्रूफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल एंड्रॉइड ज्ञान पर डाल दूंगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल एंड्रॉइड ज्ञान पर ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को यहाँ पर से कोई भी दिक्कत ना हो नया एप्लीकेशन का अर्निंग करने के मामले पे। यहाँ पर गौर देखो मैं इस तरह का एप्लीकेशन देता रहता हूँ बहुत सारे यहाँ पर गजब गजब का, आप लोग भी आकर के बस हमें टेलीग्राम चैनल पर आते हो तो आप लोग भी आकर के इस तरह से करके रिएक्शन दिया करो भाई, ताकि आप लोगों का रिएक्शन देख करके मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, ताकि आप लोग जो रिएक्शन करते हो ना उससे मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग आकर के रिएक्शन जरूर दिया करो जब भी आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेते हो, तो आप लोग यहाँ पर आकर के ज्वाइन करो, बहुत सारे नए एप्लीकेशन नए नए प्रूफ सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, बस आपको टेलीग्राम चैनल पर आकर के ज्वाइन कर लेना है। देखो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में बताया था, देखो इसी में वही एप्लीकेशन का है, यहाँ पर देखो अमेज़न का गिफ्ट कार्ड मुझे रिसीव हुआ था, तो सब कुछ यहाँ पर सब कुछ आपको साथ साथ में आपको देखने मिल गया होगा। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज के तबाही वाले एप्लीकेशन के बारे में।